गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको तानिश ड्रीम चैनल पर। तो आज है संडे और अभी बज रहे सुबह का 9। तो मैं आ गई हूँ किचन में ब्रेकफास्ट बनाने। तो ब्रेकफास्ट में मैं आज बना रही हूँ पैनकेक। ये पैनकेक की रेसिपी अगर आप लोगों को चाहिए तो बता देना, मैं मेरे किसी और एक वीडियो में आप लोगों को ये दिखा दूंगी। बहुत ही ईजी एक रेसिपी है, अंडे से और आटा से मैंने इसे बनाया है। हेल्दी भी है, खाने में भी आप केचप के साथ खा सकते हो, बहुत टेस्टी होता है। और साइड में देखिए मैं चाय भी लगा दिया, चाय भी बना रही हूँ साथों साथ। तो चलिए मैं ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट बनाने के बाद मैं अपने ड्यूटी में लग गई हूँ, जैसे कि डेली में करती हूँ। डस्टिंग, फिर झाड़ू, फिर पोछा, फिर कपड़े धोना, जो जो काम होता है सुबह का, सब कुछ मैं एक एक करके अभी निपटाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का बहुत सारा काम कंप्लीट करने के बाद अब मैं आई हूँ। अभी थोड़ा सा स्किन केयर मैं कर रही हूँ। अभी मैं जाके ये बायोटिक का जो फेस स्क्रबर है, इससे मैं फेस को स्क्रब करके आ गई, अच्छी तरह से स्क्रब करके धो के आ गई हूँ। अभी मैं अप्लाई करूंगी ये बायोटिक का फेस मास्क। तो आप सोच रहे होंगे आज इतना सज धज क्यों रही हूँ मैं, है ना। एक्चुअली आज क्या है ना, मेरा एक देवर का आज है रिसेप्शन, मतलब मेरे हस्बैंड का मामा जी का बेटा, उनका शादी हो गया है तो आज है उनका रिसेप्शन। तो शाम को हम लोगों का इनवाइट है, उधर जाना है, तो शादी में जाना है, थोड़ा सा तो स्किन केयर करना चलता है ना। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा आज घर में ही फेशियल जैसा कर रही हूँ। तो लगाऊंगी फेस पैक, तो फेस पैक जब तक सूखेगा तब तक मैं बाकी जितना भी काम है वो कर लूंगी। उसके बाद मैं लगाऊंगी ये शीट मास्क। मैं नायका से ऑर्डर किया था ये शीट मास्क, मैं बीच बीच में ऐसे लगाती हूँ, इससे बहुत अच्छा ग्लो आता है। जिस दिन शादी में जाना हो उस दिन तो मास्क में लगाती हूँ, तो थोड़ा सा स्किन में ग्लो आता है। अप्लाई कर लेती हूँ ये फेस पैक। अभी मैं कुछ अजीब सा देखने में लग रही हूँ, मुझे पता है। आप लोग डर मत जाना मुझे देख के। तो फ्रेंड्स, मैं जो बता रही हूँ, ये जो बायोटिक का मैं फेस पैक यूज करती हूँ ना, ये बहुत ही अच्छा है। अगर आप लोगों का थोड़ा सा ड्राई टाइप्स का स्किन है तो आप इसे यूज कर सकते हो। बायो मिल्क प्रोटीन, ठीक है, मिल्क प्रोटीन वाला जो है फेस पैक, वही वाला बहुत ही अच्छा है। तो चलिए अभी इस फेस में मैं ज्यादा देर तक आप लोगों के सामने नहीं रहूंगी, नहीं तो आप लोग डर जाओगे। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। फ्रेंड्स देखिए, आज रिसेप्शन पार्टी में मैं ये वाला साड़ी पहनूंगी। ये ब्लू कलर का साड़ी है, मुझे बहुत पसंद है ये साड़ी, और लाइट वेट का है, तो मैं आज ये साड़ी पहनूंगी। शादी में ऐसे ही तो मौका होता है कुछ साड़ी पहनने का, नहीं तो पहनना नहीं होता है। साथ में मैं ये बैंगल पहनूंगी, देखिए कितना सुंदर है, और ये वाला नेक पीस, साथ में ये इयर रिंग्स है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं साड़ी पहन के रेडी होके आप लोगों से मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी हम रेडी हो गए हैं शादी में जाने के लिए। देखिए मैं ये ब्लू वाला साड़ी पहनी हुई हूँ, और बालों को मैं आज स्ट्रेटनर से खींच खींच के स्ट्रेट किया, क्योंकि मेरा कर्ली हेयर है, थोड़ा सा स्ट्रेट करना अच्छा लगता है। तो ये देखिए अभी रेडी हो गई हूँ, अभी चलती हूँ शादी में, फिर उधर जितना क्लिप हो सकता है आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी हम लोग रेडी हो गए, चल रहे हैं शादी में। यह हूँ मैं, इधर देखिए मेरे हस्बैंड, और पीछे है सोहम। हेलो हेलो। तो फिर उधर जाके मिलते हैं आप लोगों से।
हैं वनराज। हाय। साइड किया भी साइड भी किया है और साइड में स्टाइल भी किया है। अरे जब देखिए मेरे क्यूट सी नजर। रिसेप्शन पार्टी अटेंड करने के बाद घर जा रहे हैं। सब कुछ अच्छे से हुआ, बहुत मस्ती किया, बहुत डांस हुआ, बहुत कुछ हो गया। तो चलिए अभी घर चलते हैं। आपकी वीडियो फिर इतना तक ही रखते हैं। आप लोगों का अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। नया आए हो चैनल पर, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।